अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब दोस्त अल्लाह के फजल और करम से खैरियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलो दोस्तों, इन मुर्गा मुर्गी को छोड़ दिया, घूम फिर रहे हैं। ये वाली माशाल्लाह बेहतर हो गई है काफ़ी पहले से, तो अब डकी गैंग को छोड़ देते हैं। हाँ जी, डकी गैंग आ जाओ दोस्तों। ये देखिए अंदर काफ़ी पंख बिखरे हुए हैं इस डक के। मुझे लग रहा है कि ये भी इंशाल्लाह जल्दी कुड़क होने वाली है। तो अभी इसके अंडे थोड़े हैं, तो अगर ये कुड़क होगी तो फिर 7-8 अंडों पर बैठ के तो 28 दिन बैठ नहीं रहेगी वो, तो फिर फ़ायदा नहीं। तो मेरी सलाह है कि कुछ डक के ना अंडे ढूंढ के लाते हैं, जी कोई और नस्ल की, डिफरेंट नस्ल की हो, तो वो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो वो भी इंशाल्लाह ढूंढ के लाएंगे, तो वो भी इनकी तस्वीर रखेंगे। ये देखिए अभी तो इसके पास सिर्फ 6 अंडे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे हैं बस। चलो जी इस रैबिट के। तो ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितने क्यूट लगते हैं, और ये ऊपर चढ़ा हुआ है। चलो जी आ जाओ माशाल्लाह आ जाओ। हाँ जी चूचू गैंग, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एक्टिव तंदुरुस्त। चलो जी रैबिट का खाना दे देते हैं। रैबिट का खाना भी तकरीबन एंड हो चुका है, ये और लेके आते हैं फिर। ये लो जी रैबिट, वो नीचे आ गया, उधर ही शुरू हो गया, हिला ही नहीं है उधर से। दोस्तों माशाल्लाह हमारे नन्हे मुन्ने रैबिट भी खाना खाने लग गए हैं। चलो उधर देखो, उधर उधर, ये पहले नए नए थे, जब बड़े हुए हैं चलने फिरने लगे हैं तो बहुत डरते थे, अब नहीं डरते, अब इनको आदत होती है, हो गई है ना हमारी, पहले आदत नहीं थी अब आदत हो गई है। चलो इधर खाओ जा खाना, चलो चलो शाबाश। चलो आप भी, चलो आप भी, आपने टांग फंसाई है नीचे, चलो शाबाश। ये खा रहे हो आप? ये लो ये लो, खा लो खा लो खा लो खा लो। दोस्तों सफाइयाँ करनी हुई पड़ी, सफाइयाँ करने वाली पड़ी हुई है, ये भी सफाई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सबको खाना शाना दे रही है, सारे माशाल्लाह खा भी रहे हैं। इधर हमारे चूचू गैंग खा रहे हैं, इधर हमारी न्यू रैबिट गैंग खा रही है, और इधर हमारे सील वाले मुर्गा मुर्गी खा रहे थे, अभी पानी पी रहे हैं, और इधर ये भी खा रहे हैं पानी पी रहे हैं, और इधर माशाल्लाह ये भी खा रहे हैं, इधर हमारी डकी गैंग खा रही है, इधर हमारे रैबिट खा रहे थे। तो माशाल्लाह सबको दाना पानी खाना शाना सब कुछ दे दिया, सारे माशाल्लाह खा पी रहे हैं, हमारा रोल है, और ये माशाल्लाह खा पी रहे हैं, इनका भी रखो है जो वो बोला नहीं हम नहीं रख सकते होगा ये बोला। हाँ तुम इधर क्या कर रही हो? हाँ जी तो अपनी कुड़क मुर्गी को भी देख लेते हैं, माशाल्लाह कैसे सारे अंडों को लपेट के बैठी हुई है। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो? कैसे भूल जाती है। हाँ जी ठीक हो, अच्छे से इनक्यूबेशन कर रही हो अंडों की? तो बच्चा बुच्चा आया कि नहीं अभी? हैं अंडे माशाल्लाह सारे, बैठी रहो बैठी रहो, माशाल्लाह दाना शाना खा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, दाना नहीं कम खत्म हो रहा है इनसे। और एक मुर्गी दोस्तों हमारी, उनके घर चली गई इस वाले घर, वो देखे ये घूम ही जाके, इसको भी आदत पड़ती जा रही है। और हम तो भूल ही गए दोस्तों, ये तो बच्चे देने वाली थी। हाँ कब दोगी बच्चे फिर? हैं दोगी बच्चे कि नहीं? काफी दिन हो गए इसका घर नहीं जाती, एक दफा घर चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जाना भी थोड़ा मुश्किल है।
ओ माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा। होए होए होए, एक मिनट दोस्तों, मैं इसको साफ करके ना फिर इसको उठाता हूँ, ऐसे उनके ऊपर ना कचरा पड़ जाए। ओए होए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें इधर रैबिट बेबी आए हुए हैं। ये मुझे आज रात के नहीं लग रहे, ना आज सुबह के लग रहे हैं दोस्तों, ये 2-3 दिन के लग रहे हैं मुझे। 2-3 दिन बाद मैंने चेक किया और ये देखें, इतने इसने अपनी फर कितनी उतारी हुई है, उतार के इधर एक साइड पर रखी हुई है, कुछ इनके इर्द गिर्द बिछाई हुई है, कुछ इनके ऊपर दी है, कुछ इनके नीचे है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जी दोस्तों, ये देखें, ये इनके हल्के हल्के ना बाल भी आ चुके हुए हैं, मैंने तो अब देखे हैं। अरे कब के आए हुए हो आप, हैं ब्रोनी बेबी? देखें माशाल्लाह, इसके नाखून लगा हुआ है। चलो इधर ही रख देते हैं माशाल्लाह जी दोस्तों। अरे ये दोस्तों फुल ब्राउन है, ये वाला उसका तरह जिसका ये बच्चा है ना उसी की तरह ये फुल ब्राउन है माशाल्लाह, ये दो वाले ब्राउन है फुल। चलो ज़्यादा तंग, एक दफ़ा यार उसको भी देख ले, ये वाला आजा 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 दोस्तों। पहले जो आए थे ना हमारे बच्चे रैबिट के, उसको मैंने पकड़ के नहीं देखा। ये भी दोस्तों फुल ब्राउन है, दो वाले जो है ना वो फुल ब्राउन है। और वे हिलते ही बहुत है ये, तो ये गिर गया मेरे हाथ से। चले कुछ नहीं होता, नरम जगह माशाल्लाह काफ़ी नरम जगह की हुई है ये देखें, और हल्की हल्की फर जो है ना इनके ऊपर भी दी होती है माशाल्लाह जी दोस्तों। तो बड़ी खुशी हो रही है, देखें मैं कैसे अंदर घुस के बैठा हूँ ऐसे करके, जगह कम है तो, लेकिन दोस्तों खुशी बड़ी है माशाल्लाह। ये ख्वाब था हमारा, ये घर बनाएंगे और इसमें रैबिट बच्चे देंगे, माशाल्लाह घर भी बन गया, रैबिट ने बच्चे भी दे दिए माशाल्लाह जी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा माशाल्लाह कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, और दुआ कीजिएगा ये भी हमारे उन बच्चों की तरह जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। तो इनको करते हैं जी इधर बंद। ये लो जी, अब तो मौसम ही बड़ा ज़बरदस्त है, ये बंद करते हैं। तो दोस्तों सब दोस्त कमेंट करके बताएं कि किन किन ने घर में जानवर या परिंदे वगैरह पाले होते हैं, पाल पाल के बड़े किए होते हैं, फिर आगे उनके बच्चे देखने की बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, ये छोटे छोटे रैबिट लेके आया था मैं, ये वाले माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब उन्होंने आगे बच्चे भी दे दिए। ये जिसके बच्चे हैं ना वो मैं बड़े लेके आया था, उन्होंने पहले भी बच्चे दिए होंगे थे, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको न्यू बेबी दिखाए हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी दिखाए हैं ना, इसकी जो वालदैन है ना इनके, वो मैं छोटे छोटे लेके आया था तकरीबन 1 मंथ के लिए। तो अब वो माशाल्लाह उन्होंने आगे ब्रीड करना स्टार्ट कर दी, होम ब्रीड दोस्तों स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह 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 दोस्तों। अब आस्ता आस्ता ना सेटअप को थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा करके इंशाल्लाह सारे परिंदों को रिकवर करेंगे, सारे परिंदों को अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करेंगे इंशाल्लाह दोस्तों, आस्ता आस्ता ये प्रोसीजर करते हैं इंशाल्लाह। अब जैसे कि दो डक्की बैठी हुई हैं, उनके बच्चे आने वाले हैं, एक ये भी डक्की जो है ना आने करीब, इसने भी कुड़क हो जाना, इसने भी अंडों पर बैठ जाना आने करीब ही। और चौथे नंबर पर दोस्तों हमारी ये वाली माशाल्लाह ये वाली सील मुर्गी भी अंडों पर बैठी हुई है, ये बड़े अच्छे तरीके से इनक्यूबेट करती है अंडों को और बच्चों की बड़ी केयर करती है। मैंने डक्की को बंद किया हुआ था, ये इसके साथ झगड़ा था, सही है, ये इग्नोर करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा पंगे लेता है, फिर वो शुरू होता है झगड़ा करना। अब झगड़ा ना करना तो फिर बंद कर दूंगा तुझे। अब वो सफ़ेद वाले से पंगे ले रहा है, सफ़ेद मुर्गे से, वो भी फिर सीधा हो जाता है। इसके अलावा एक आँख है, एक आँख इसकी बचपन में ज़ाया हो गई थी, बीमारी आई थी कि इस वजह से। ओए होए दोस्तों बड़ा झगड़ा किया है, देखिए मेरे पाँव पर नाखून मार दिए इस जालम ने, इस जालम जालम डकी
बाज आ जा यार, बाज आ जा, बाज आ जा। इतनी मुश्किल से मदद से थाक ले गया हूँ, झगड़ा ही नहीं छोड़ते फिर ये। अब मैंने छोड़ दिया ना तो वो दो बंदे हैं, दोनों है तुझे मारना है, मैंने छुड़ाना नहीं है फिर। गंदा मेरे दोनों पाँव पे दोस्तों, ये देखिए इतनी जोर जोर से लगाया, ये भी लगाया देखो मैंने। बाज ही नहीं आते, जब इनको छोड़ दो तब इसने जानबूझ के पंगे लेते हैं डकी ने और मुर्गों के साथ। जब ये मुर्गा बाहर आता है फिर इसके साथ पंगे लेते। अब इसको थोड़ी देर तक छोड़ देता हूँ क्योंकि डकी को तो बंद कर दिया। तुझको नहीं छोड़ना, तू बड़ी जलील है, इसको छोड़ दो, इसने पूरा मोहल्ला घूमना होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।